लिलहोल में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में लगभग एक दर्जन लोग घायल। दो डीएमसीएच रेफर। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र के लिलहोल में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सिंगिया पीएससी में किया गया, जिसमें दो लोगों का स्थिति गंभीर रहने पर डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उक्त घायल व्यक्ति का पहचान प्रथम पक्ष के अब्दुल कलाम मोहम्मद नौशाद नजरा खातून शहाबुद्दीन संजीता खातून के रूप में किया गया है, जिसमें स्थिति गंभीर रहने पर शहाबुद्दीन और संजीता खातून को डीएमसीएच रेफर किया गया है। और दूसरे पक्ष के मोहम्मद सोनू, मोहम्मद इजाज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जब्बा, नसीमा खातून, जमीना खातून एवं चांदनी खातून के रूप में किया गया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि मुझे वास्तविक पर्चा मिला है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मुझे केवाला से प्राप्त है। घर मारपीट वाला किया, जमीन के विवाद क्या मारपीट कर लग किया, बार बार घर ये सब कर लग जबार 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 शेख जबार। क्या आदमी घायल छे? दो आदमी तो घायल छे, वो है माता पिता के, ये पांच आदमी घायल छे। अच्छा, हमरा पत्नी के साथ लेके गेले हैं। रे बोलतो रे का नाम मोहम्मद नौशाद, इसका नाम बच्चा का नाम नजरा खातून, इनके पिता का नाम कलाम। रेफर में कैसे रेफर हुआ? शहाबुद्दीन आए संजीरा खातून। क्या है आपका? हमारा पुतौ है। पुतौ? हाँ, बेटा शहाबुद्दीन। दो रेफर हुआ। कितने जमीन की मामला है सर? जमीन का मामला झंझट नहीं, एक कट्ठा 15 दिन हमारा सरकार पर्चा दिया है सर, 85-86 का पर्चा है। अच्छा, समझे ने, उसमें घर द्वार बांस अकबर सब कुछ है, खत्ता था, दबड़ा था, समझे ने, और हमारा मस्कन भी है बाप दादा वाला, तो वो सब हमारा है, तो हमको घर नहीं बनाने देता, वो किसी से लिखा लिया जिम्मेदार से बोलता है मेरा, जब कोर्ट भी केस नहीं लड़े तब मारपीट किए। इससे पहले कानून का सहारा लेना चाहिए आप लोगों को, कानून में करके लिए है, कुछ केस भी हुआ है, 8 नहीं 1000 लाखों किया है थाना। इस मामले में आवेदन दिए हुए थाना? इस मामले में तो थाना पर गए तो यहाँ आए ना। इससे पहले उस जमीन के मामले में दिए हैं आवेदन? इससे पहले? हाँ, इससे पहले आवेदन दिए थे तो केस हुआ था। कितना दिन पहले? ये तो साल भर आगे का हुआ है, अगला साल में। उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ, कागज हमको मिला फैसला करने के लिए, समझे ने, तो फैसला में ये लोग जो है हमको नापी जो खैया में जो है अमीन रखा और पैसा ही घुस दे दिया हमारा जो है जमीन हमने में से निकाल कर छोड़ दिया, हम मानता दिया नहीं। हाँ, हमको तो एक कट्ठा 15 दिन का पर्चा है। एक साल पहले झंझट चल रहा है? झंझट तो काफी दिन से चल रहा है। अच्छा, जब से वो लिखाया तब से झंझट चल रहा है। कब लिखाया था? क्या पता कितना नहीं लिखाया, हमको 85-86 का कागज है। 85-86 में? हाँ, हमारा 85-86 का कागज है। पर्चा है? पर्चा जी, वाजिबी पर्चा। ठीक है, सबको हमारे बच्चा का, एक बच्चा को कान काट दिया, जवान बच्चा को, वो वहीं है उसका घर पर कोई नहीं। सिंगल एक ही आदमी यहाँ हॉस्पिटल में? ना, यहाँ 5 आदमी देखते हैं उसको, डंडा मारा, कान फाड़ दिया। क्या नाम है आपका? हमारा जरीना। पति का नाम? ये कौन हुआ? मेरा बेटा है। घर कहाँ हुआ? जवान बेटी को। अच्छा, दिया दे दोनों है क्या? नहीं, दिया दे। वो उसका कहना है जमीन जो है सो हमको पर्चा मिला है, लिखा लिया सर, जबरदस्ती हमारा जमीन केवाला को जमीन लेने के लिए। और आप केवाला लिए थे? कब लिए थे? 20 साल पहले। उसका केवाला का कोई प्रूफ नहीं है सर, सरपंच उसको पक्ष में है, इसीलिए वो खुद का मुखिया सरपंच गांव का जितना नेता डीलर है सब समिति सब उसका पक्ष में है, इसीलिए हमको घर पैस को मारा हुआ था, हमारे बेटी को माता उसको सब एक तरफ से, एक जवान बेटी को कान काट दिया, उस घर पर कोई नहीं, उसको वहीं छोड़